नमस्कार, मैं अंजु रानी आज प्रस्तुत हूँ कक्षा 7 का पाठ लेकर मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य के बारे में। इस पाठ में हम पढ़ेंगे मुगल कौन थे, मुगलों के सैन्य युद्ध कौशल के बारे में पढ़ेंगे, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन यानी मुगलों ने किस प्रकार गद्दी हासिल की, वो किस तरह से राजा बनते थे, मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, मुगलों के दूसरे राजाओं के साथ किस प्रकार संबंध थे, मनसबदार और जागीरदार के बारे में, जब्त और जमींदार के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी उनके प्रशासन संगठन के बारे में पढ़ेंगे, अकबर और उसके धर्म के बारे में, एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर यानी 17वीं सदी के बाद इस मुगल साम्राज्य का क्या हुआ। सबसे पहले आप देखिए, आपको लाल किले की पिक्चर दिखाई दे रही है। लाल किले की पिक्चर यानी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति भी 15 अगस्त व 26 जनवरी को यहां से ध्वजारोहण करते हैं। जो ध्वजारोहण करते हैं यानी इस बिल्डिंग का यानी इस किले का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस किले का महत्व है तो ये किला किसने बनवाया, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो ये किला बनवाया शाहजहां ने। ये किला शाहजहां ने बनवाया यानी ये कौन से वंश से था, मुगल वंश से। तो हम इस मुगल वंश के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर मुगल कौन थे। तो मुगल कौन थे इसके बारे में बात करने के लिए हम पहले देखेंगे कि मुगलों की वंशावली यानी मुगल कहां से है। तो मुगल का अगर फैमिली ट्री बनाया जाए यानी उनके कि वो कहां से निकले, तो फैमिली ट्री में देखेंगे तो वो मदर की साइड से यानी अपनी माँ की तरफ से, तो वो थे चंगेज खान। आपने सुना होगा गेंगीज चंगेज खान की तरफ से थे। चंगेज खान शासक था चीन का, मध्य एशिया का, वह इधर से पिता की तरफ से वो थे तैमूर की तरफ से। तैमूर शासक था ईरान का, इराक का व तुर्की का। ठीक है, तो यानी पिता की तरफ से ये तैमूर की तरफ से थे और मां की तरफ से ये चंगेज खान की तरफ से थे, चीन से और मध्य एशिया और मंगोल देश से। आपने नाम सुना होगा मंगोलिया कंट्री का यानी मंगोल देश से। इस मंगोल शब्द से ही ये शब्द बना मुगल, लेकिन ये अपने आप को चंगेज खान के वंशज कहलाने की बजाय ये तैमूर का वंशज कहलाना पसंद करते थे। Why? ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जो चंगेज खान की जो स्मृति थी यानी जो यादें थी वो बुरी थी। भारत से जो जुड़ी हुई यादें थी वो बहुत बुरी यादें थी, क्योंकि उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया था तो यहाँ पर बहुत बड़ा नरसंहार किया था। एंड तैमूर की अगर बात करें तो तैमूर ने 1398 में दिल्ली को जीता था और इस बात पर ये अपने आप को बहुत गर्व करते थे, इसलिए ये अपने आप को किसका वंशज कहलाते थे, तैमूर का, ना कि चंगेज खान का। अब अगर हम वंशावली की बात करें यानी इसमें सबसे पहले कौन आया और कहां से आया, तो उस बात से अगर देखा जाए तो मैंने जैसे बताया कि तैमूर के, तो भारत में शासन करने वाले मुगल, तो उसमें सबसे पहले हम एक लाइन याद कर लें, बाहू आजा शौ। ये लाइन जब हम याद कर लेंगे तो इससे हमें भारत में आने वाले मुगलों के बारे में, बाहू से आपका आ जाएगा बाबर, हू से आ जाएगा आपका हुमायूं, आ से आ जाएगा आपका अकबर, जा से आ जाएगा आपका जहांगीर, शाह से आ जाएगा आपका शाहजहां और ओ से आ जाएगा आपका औरंगजेब। उसके बाद वाले मुगल जो हैं वो सभी के सभी मुगल कहलाए परवर्ती मुगल, क्योंकि जो सबसे ताकतवर अंतिम मुगल कहा गया है वो औरंगजेब है और अंतिम मुगल बादशाह का अगर हम नाम जाने तो वो हमारे हैं बहादुर शाह जफर। तो सबसे पहले देखिए यानी पहला शासक भारत में कौन आया मुगलों का, बाबर। उसके बाद आए हुमायूं, हुमायूं के बेटे रहे अकबर, अकबर के बेटे रहे जहांगीर, जहांगीर के बेटे रहे शाहजहां और शाहजहां के बेटे रहे औरंगजेब और औरंगजेब के बाद के जितने भी मुगल कहलाए वो सब परवर्ती मुगल कहलाए और अंतिम मुगल बादशाह रहे बहादुर शाह जफर। तो हमें सिर्फ एक पंक्ति याद करनी है और हमें भारत में शासन करने वाले मुगलों के नाम याद रह जाएंगे, बाहू आजा शौ। ठीक है।